नमस्कार दोस्तों सुनो कहानी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी वरदान विंध्याचल पर्वत मध्य रात्रि के निबिड़ अंधकार में कालदेव की भांति खड़ा था उस पर उगे हुए छोटे छोटे वृक्ष इस प्रकार दृष्टिगोचर होते थे मानो ये उसकी जटाएं हैं और अष्टभुजा देवी का मंदिर जिसके कलश पर श्वेत पताकाएं वायु की मंद मंद तरंगों में लहरा रही थी उस देव का मस्तक है मंदिर में एक झिलमिलाता हुआ दीपक था जिसे देखकर किसी धुंधले तारे का मान हो जाता था अर्धरात्रि व्यतीत हो चुकी थी चारों ओर भयावह सन्नाटा छाया हुआ था गंगा जी की काली तरंगे पर्वत के नीचे सुखद प्रवाह से बह रही थी और उनके बहाव में एक मनोरंजक राग की ध्वनि निकल रही थी ठोर ठोर नावों पर और किनारों के आसपास मल्लाहों के चूलों की आंच दिखाई देती थी ऐसे समय में एक श्वेत वस्त्र धारिणी स्त्री अष्टभुजा देवी के सम्मुख हाथ बांधे बैठी हुई थी उसका प्रौढ़ पीला था और भावों से कुलीनता प्रकट होती थी उसने देर तक सिर झुकाए रहने के पश्चात कहा माता आज बीस वर्ष से कोई मंगलवार ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हारे चरणों में सिर न झुकाया हो एक दिन भी ऐसा ना गया जबकि मैंने तुम्हारे चरणों का ध्यान न किया हो तुम जगतारिणी महारानी हो तुम्हारी इतनी सेवा करने पर भी मेरे मन की अभिलाषा पूरी ना हुई मैं तुम्हें छोड़कर कहा जाऊं माता माता मैंने सैकड़ों व्रत रखे देवताओं की उपासनाएं की तीर्थ यात्राएं की परंतु मनोरथ पूरा ना हुआ जब तुम्हारी शरण आई अब तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं तुमने सदा अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी की हैं क्या मैं तुम्हारे दरबार से निराश होकर जाऊं सुवामा इस प्रकार देर तक विनती करती रही आकस्मत उसके चित्त पर अचेत करने वाले अनुराग का आक्रमण हुआ उसकी आंखें बंद हो गई और कान में ध्वनि आई सुवामा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं मांगो क्या मांगती हो सुवामा रोमांचित हो गई उसके हृदय धड़कने पड़ने उसका हृदय धड़कने लगा आज बीस वर्ष के पश्चात महारानी ने उसके दर्शन दिए वह हुई बोली, जो कुछ मांगूंगी वह देंगी महारानी हाँ मिलेगा बेटी मैंने बड़ी तपस्या की है अतः बड़ा भारी वरदान मांगूंगी क्या लोगी कुबेर का धन नहीं इंद्र का बल नहीं सरस्वती की विद्या नहीं फिर क्या लोगी संसार का सबसे उत्तम पदार्थ लूंगी माता वह क्या है बेटी सपूत बेटा जो कुल का नाम रोशन करे नहीं जो माता पिता की सेवा करे नहीं जो विद्वान और बलवान हो नहीं फिर सपूत बेटा किसे कहते हैं जो अपने देश का उपकार करे तेरी बुद्धि धन्य है जा तेरी इच्छा पूरी होगी दोस्तों तो ये थी कहानी वरदान धन्यवाद